8 गेंदों का वो तूफान जिसने जयसवाल को बना दिया महान, जिसे आईपीएल में कोई नहीं कर पाया, जयसवाल ने वो कारनामा कर दिखाया। एक दिन में राजस्थान टीम की तरफ से बने दो बड़े रिकॉर्ड, एक खिलाड़ी ने बड़ा कारनामा करके दिखाया, दूसरे ने टीम का नाम डुबाया। राजस्थान की जीत के बाद कांस्टेबल में उछाल आया, अब इन दो टीमों के बीच होगा बवाल, जो इस मैच में हार जाएगा वो बाहर चला जाएगा। दिलचस्प हो गया कांस्टेबल का हार, ये चार टीमें हो गई कंगाल। आईपीएल अब उस मोड़ पर आया, इन दो टीमों पर बाहर होने का खतरा मंडराया। जी, आईपीएल 2023 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हर टीम खुद को आगे ले जाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, लेकिन राजस्थान और पंजाब के बीच राजस्थान की जीत ने पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर कर दिया है। राजस्थान की जीत के बाद दो टीमों के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। बेशक राजस्थान इस मैच को जीत गई, लेकिन इस मैच में राजस्थान के इस खिलाड़ी के नाम बड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। साथ ही एक खिलाड़ी ने 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर इतिहास रच दिया। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं, लेकिन उससे पहले मैच की कुछ बड़ी बातें जान लीजिए। नंबर एक, इस मैच में जीत कर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने खुद को प्लेऑफ की दौड़ में जिंदा रखा है। इस जीत के बाद राजस्थान के 14 मैचों में 14 अंक हो गए हैं। नंबर दो, जीत के नायक यशस्वी जायसवाल रहे, जिन्होंने विशाल लक्ष्य के सामने एक छोर संभाले रखा और 36 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए। इसके साथ ही यशस्वी ने आईपीएल के इतिहास में 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मौजूदा आईपीएल सीजन में जायसवाल ने अपने 600 रन पूरे कर लिए हैं, वो इस सीजन ऐसा करने वाले इकलौते भारतीय हैं। इसके साथ ही जायसवाल आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही यशस्वी ने आईपीएल के इतिहास में 15 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। डेढ़ दशक पहले ऑस्ट्रेलिया के शॉन मार्श ने एक सीजन में 616 रन बनाए थे। मार्श 2008 के आईपीएल के दौरान अनकैप्ड प्लेयर थे। यशस्वी जायसवाल ने मार्श का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 15 साल तक मार्श का यह रिकॉर्ड आईपीएल में अजय रहा था, जिसे इस साल भारत के 21 साल के युवा लड़के ने तोड़ दिया। नंबर तीन, आपको बताते हैं, ये साल राजस्थान के ओपनर बटलर के लिए सबसे खराब साल रहा। जो खिलाड़ी छक्कों की हैट्रिक लगाता था, उसने अब डक्स की हैट्रिक लगा दी है। बटलर लगातार तीसरे मैच में बिना खाता खोले आउट हो गए। पिछले मैच में आरसीबी और उससे पहले केकेआर के खिलाफ वो बिना खाता खोले आउट हुए थे। बटलर का दर्द यहीं खत्म नहीं होता। इस सीजन में बटलर पांचवीं बार शून्य पर आउट हुए और इस तरह उन्होंने एक अनचाहा रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया। वो एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए। बटलर का ये प्रदर्शन इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि 2016 में अपने डेब्यू से लेकर इस सीजन तक 81 पारियों में वो सिर्फ एक बार ही बिना खाता खोले आउट हुए थे, अपने डेब्यू मैच में जब वो मुंबई का हिस्सा थे। नंबर चार, इस मैच के बाद राजस्थान ने दो टीमों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्थान की टीम के साथ ही अब मुंबई और बेंगलोर के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगा है। अब अगर अपने आने वाले मैच मुंबई और बेंगलोर हार गए, तो फिर दोनों टीमों के ऊपर बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा। तो राजस्थान की इस जीत के बाद जहां एक तरफ जायसवाल की तारीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बटलर के डक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे आपका राजस्थान की इस जीत पर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि राजस्थान प्लेऑफ में जगह बना पाएगी? कमेंट करके अपनी राय दीजिए।